हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 की इस सीरीज में हम बात करेंगे आइटम पर टैक्स रेट लगाने के बारे में। अब तक हम क्या करते रहे वो बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए पुरानी एंट्रीज को ओपन कर लेता हूं, यहां पे दो बार डीप्रेस करता हूं, यहां से पुरानी एंट्रीज हैं सेल्स की परचेज की, तो इसे आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हम करते थे, ठीक है। सेम रेट में हम जीएसटी लगाते थे, यहाँ पे देखिए सेम रेट में लगा रहे हैं, ठीक है। आइटम रेट के हिसाब से अगर हमें जीएसटी लगानी हो, अब तक हम वैल्यू के हिसाब से जीएसटी लगाते रहे, ठीक है। और आइटम रेट के हिसाब से अगर जीएसटी लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें इसके टैक्स एनालिसिस की, तो यहाँ पर आप टैक्स, अगर मैं अल्ट F1 प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से अल्ट A प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ से अल्ट F1 प्रेस करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि कितना कितना टैक्स लगा हुआ है, इसका पूरा स्लैब यहाँ पे आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, हमें आइटम के हिसाब से टैक्स लगाना है, आइटम रेट के हिसाब से, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाते थे, अब आइटम के हिसाब से लगाना है, तो यहां पर आ जाता हूं अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब परचेज में आकर के यहां पर डाल दिया ये और एंटर प्रेस किया, और यहां पर आएंगे तो अभी यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर ही आएगा, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आ जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड पर जो टैक्स लगा हुआ है वो तो पहले से लगा हुआ है, नया स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, यहां पर ब्लूटूथ फॉर हेडफोन, ये ब्लूटूथ हम परचेस कर रहे हैं हेडफोन के लिए, ताकि हम वायरलेस मीडियम में हेडफोन का यूज कर सकें, हमें वायर की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे पीसेज ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और यहाँ पे सेट अल्टर्ड जीएसटी डिटेल को आप यस कर दीजिए। यस किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये कौन सा आइटम है, जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ है तो यहाँ पे ब्लूटूथ आप लिख दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, HSN कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑन वैल्यू हम जनरली कर देते थे, लेकिन अब हम ऑन आइटम रेट करेंगे, तो ये बॉक्स खुल करके आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे जीरो से लेकर के अगर आप 5,000 रुपए तक की खरीदारी करते हैं ब्लूटूथ, ठीक है, तो ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा और 18% का इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 9% के हिसाब से डिवाइड हो गया। अगर यही ब्लूटूथ आप 10,000 रुपए तक की खरीदारी करते या 6,000 रुपए तक की खरीदारी करते हैं, ये देखिए 5,000 से लेकर 6,000 तक की खरीदारी करेंगे तो इस पे लगेगा 28% का जीएसटी, ठीक है। ये 28% लगा दिया। अब यहाँ पे अगर 6,000 से अधिक की खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना अप टू में, और यहाँ पे एंटर करते हुए 28% लगा दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। तो ये एक स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया ब्लूटूथ। अब ये मान लीजिए ब्लूटूथ का एक ही आइटम हम खरीद रहे हैं और एक आइटम की कीमत है 2,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है। तो ये 2,000 डाल दिया हमने, यहाँ पर आ गए। अब फिर मान लीजिए ब्लूटूथ ही अगर परचेज कर रहे हो, ठीक है, ये ब्लूटूथ लिया हमने और यहाँ पर इस बार हम 20 आइटम्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और एक आइटम की कीमत पड़ रही है हमें 7,000 रुपये, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप, ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ से अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूँ टैक्स एनालिसिस दिखाने के लिए, और फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूं ताकि दोनों का अलग अलग टैक्स एनालिसिस आप देख सके, ठीक है। ब्लूटूथ वही है, एक आइटम खरीदा तो 9% का जीएसटी लगा, और अगर हमने थोड़ा महंगा खरीद लिया या ज्यादा खरीद लिया आइटम तो यहां पे देखिए 28% का जीएसटी लगा है, 9% यानी 18% का यहां लग रहा है और यहां 28% का लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, यहां से बाहर आ जाते हैं, इसको हम चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, यहाँ पे जो भी लगाना हमें सीजीएसटी एसजीएसटी वो लगा सकते हैं। ये लगा दिया सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी लगा देते हैं, एस प्रेस किया, ये एसजीएसटी आ जाएगा, एंटर प्रेस किया या न्यू रेफरेंस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आइटम वाली बात समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।